निप्पल क्रीम से बच्चे के फीड पर असर पड़ सकता है क्योंकि जब बच्चा निप्पल चूसता है और निप्पल्स पर लगा क्रीम बच्चे के मुंह में और सिस्टम में जाता है। तो अगर आप निप्पल क्रीम लगा रही हो तो फीड से पहले निप्पल को धो लीजिए, फीड के बाद अपना निप्पल क्रीम फिर से लगा लीजिए, इससे ड्राइनेस नहीं होगी क्योंकि बच्चा जब निप्पल चूसता है तो निप्पल में ड्राइनेस होती है। क्रैक्ड निप्पल्स स्तनपान करने वाली बहुत सी माताओं में देखे जाते हैं, विशेषकर जब उनकी त्वचा ड्राई हो। यह ड्राइनेस और भी कारणों से होता है, जैसे कि फीडिंग, कितनी देर तक आप फीड करती है, फीड के पहले या बाद में कितनी बार आप अपने निप्पल्स धोती है। हर बार फीड से पहले निप्पल्स को साबुन से धोना जरूरी नहीं है, इससे निप्पल का ड्राइनेस बढ़ जाएगा और खुजली शुरू हो जाएगी। केवल ड्राइनेस ही नहीं तो एक्जिमा भी हो सकता है, जिसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर निप्पल्स में से पानी का रिसाव या इन्फेक्शन के मवाद का रिसाव भी हो सकता है। तब आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम या उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्रीम की जरूरत होगी। तब फीड के पहले उसे धोना जरूरी है। अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब हम थोड़े समय के लिए फीड बंद करने की सलाह देते हैं क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे समय में माताएं दूध हाथ से निकाल सकती है, इसके लिए आप यूज कर सकती है सक्शन पंप्स का। पंप के इस्तेमाल से ड्राइनेस और भी बढ़ेगी, इसलिए अपना इलाज करवाइए और इन्फेक्शन ठीक होने के बाद बच्चे को पिला सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इन्फेक्शन है, आप क्रीम लगाती है, बच्चे को पिलाती है, फिर से क्रीम लगाती है। अगर केवल ड्राई निप्पल्स और क्रैक निप्पल्स है तो आप क्रीम लगाकर फीडिंग शुरू कर सकती है। अगर इन्फेक्शन और एक्जिमा है तो आप फीड बंद कर सकती है। अगर आप हाथ से दूध निकालती है, यानी कि बच्चा चूसने वाला है ही नहीं, तो आप पंप से दूध निकालकर बच्चे को कप और चम्मच से दूध पिला सकती है। ऐसे समय में भी सक्शन की वजह से ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो आपको निप्पल केयर क्रीम्स और निप्पल मॉइस्चराइजर्स की जरूरत पड़ेगी।